السلام عليكم. Dear students, our subject is English and the topic is The Happy Prince, part 3. प्यारे बच्चों, ये पिछले 3 दिन से हम इस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं हैप्पी प्रिंस का। इसका मैं फिर एक रिव्यू आपको करूंगा कि हैप्पी प्रिंस जो है आज तक हमने क्या पढ़ा। आज तक हमने यही पढ़ा कि ये हैप्पी प्रिंस, इसका नाम ही ऐसा है तो नाम से ही पता चलता है कि स्टोरी किसके बारे में है। ये एक ऐसा राजा होता है, ऐसा शहजादा होता है जो बहुत अपने राज्य में बड़ा खुश रहता है और औरों को भी खुश रखता है। इसकी इसकी ज़िंदगी में कभी भी दुख, आंसू या कोई परेशानी नहीं होती। फाइनली क्या होता है, ये लोग इसे इतना मोहब्बत करते हैं, जब ये मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो ये लोग डिसाइड करते हैं, कि क्या एक स्टेचू बनाएंगे हम, और वो भी सिटी के सेंटर में और ऊंची जगह पर। फाइनली इनका ये इसका स्टेचू बनाते हैं एक ऊंची जगह पे चौक में, और ये समझते हैं कि ऊंची जगह इसलिए मुंतखब करते हैं कि मरने के बाद भी इसकी नज़र हम पर रहे। लोग इतना इसको चाहते थे, लोग इसको इतना समझते थे कि ये मरने के बाद भी हमें याद करेगा और हमें देखेगा। जब इसका स्टेचू बनाया गया, काफ़ी दिन गुजर गई तो वहाँ से एक स्पैरोज का झुंड माइग्रेट हो रहा था। बर्ड्स की अक्सर माइग्रेशन होती है, सीजनल माइग्रेशन होती है, तो वहाँ से ये स्पैरोज जा रहे थे। तो स्पैरोज जब जा रहे थे तो इनमें से एक स्पैरो को एक इस ग्रुप से पीछे रह गया, ग्रुप से आपने छूट गया, अपने झुंड से छूट गया, ग्रुप बहुत दूर चला गया, स्पैरो पीछे रहा। तो रात लग गई, रात को उठते उठते स्पैरो जब उड़ रहा था तो इसको नज़र इस स्टैचू पर पड़ी, तो ये सीधा आके स्टैचू के पाँव पे बैठ गया। जो ही ये बैठ गया, रात गुजर गई, रात को ये वहीं था, तो इसको लगा कि जैसे शबनम के कतरे, जैसे पानी के कतरे, जैसे बारिश के कतरे इसके ऊपर गिर रहे हैं मिडनाइट को। लेकिन ये आंखें खोलता है, देखता है कि बारिश तो है ही नहीं, मौसम साफ है, पानी कहाँ से आ रहा है। फाइनली इसने 2-3 बार चेक किया, तो इसी सुबह सवेरे जागते जब उठा तो इसने नज़र देखी उधर इधर, तो इसने देखा कि ये आंसू, ये पानी तो इस स्टैचू की आंखों से गिर रहे हैं। फाइनली इसने स्टैचू से कहा कि आप क्यों रो रहे हैं। इसने कहा कि मैं जब जिंदा था मैंने अपने राज्य को भी और अपने आप को भी खुश रखा, किसी को तकलीफ, किसी को दुख नहीं पहुंचाया, लेकिन आज मैं अपने स्टेट की, आज मैं अपने इस सिटी की, आज मैं अपने शहर की जो हालत देखता हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता है, मुझे रोना आता है। आप मेरी हेल्प इसमें करो, क्योंकि लोगों ने जब इसकी डेथ हुई थी, इसका स्टेचू बनाया गया, तो लोगों ने इसके इस स्टेचू को, इस चबूतरे को पूरे कैंप की लाल हीरे जवाहरात, कैंप की पत्थरों से सजाया था। तो ये इसमें जड़े थे लाल जवाहरात, कैंप की पत्थर पूरे इसके जिस्म में जड़े, आंखों में थे, कानों में थे, हर जगह इस पर ये कैंपती चीज़ें जड़ी हुई थी। क्या होता है, तो ये इसको कहता है कि जब मैं देखता हूँ, मेरी नज़र जाती है अपनी रियाया पे, मैंने देखा एक बूढ़ी औरत का बच्चा बीमार है, वो संतरा मांग रहा है, पैसे नहीं है, मुझसे रहा नहीं जाता, मेरा एक मोती उखाड़ो, मेरा एक कीमती पत्थर उखाड़ो, जाओ उसके घर में देख के आ, वो अपने बच्चे की भूख मिटाए। इसी तरह दूसरे दिन वो देखता है एक बच्ची माचिस की डिबिया बेचती है, अचानक उसकी माचिस की डिबिया जो है वो पानी में गिर जाती है, तो उसको पता था कि अगर ये बिना पैसों के घर पहुंचेगी, बाप इसको डांटेगा। वो जाके कहता है मेरा दूसरा मोती, मेरा दूसरा कीमती पत्थर उखाड़ो, जाओ उस बच्ची को दे दो, वो माचिस खरीदेगी और अपने बाप को पैसा कमा के दे। इसी तरह एक बच्चा लेखक होता है, वो कहता है, वो लिखता है, लेकिन उसके पास दिया नहीं है, रोशनी नहीं है, मेरा एक मोती उखाड़ो। फाइनली वो सारी कीमती ला आँखों में चार जगह ये स्टेचू की जो जहाँ पर ये चीज़ें लगी है वो उखाड़ देता है, वो इन गरीबों में बांट देता है और इनको गर्भ दूर करता है। फाइनली जो है ये
स्टेचू जो है एक बेडोल बन जाता है, इसका साया हट जाता है, तो वहाँ का मेयर जो है वो इसको हटाने के ऑर्डर देते हैं और मेरे स्टेचू को वहाँ से हटाया जाता है। इंशाल्लाह इसकी जो पीडीएफ क्वेश्चन भी हम डालेंगे, लेकिन बच्चों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब में चले जाएंगे, BHS माधार क्लिक करके वहाँ पे आपको हर एक लेसन मिलेगा। शुक्रिया।